गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को दिखाने वाला हूँ। मेरी 2022 की इलेक्ट्रॉनिक्स लैब कैसी है, कितना मुझे समय हुआ है इस लैब को बनाए हुए, यानी अपनी वर्कशॉप को मैंने किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, और लाखों रुपये का इस सेटअप में मेरा खर्च हो चुका है। तो वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिए। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सामने लगी है 15 इंच की एलईडी टीवी, और यहाँ पर पैनल की ट्रे रखी हुई है, और सामने काउंटर पर जो है कुछ पैनल रखे हुए हैं जो कि छोटे पैनल है, और यहाँ पर 65 इंच की एलईडी टीवी काउंटर पर लेटी हुई है जो कि रिपेयर होने के लिए आई हुई है। यहाँ पर सामने मेरा दुकान का शटर है, और यहाँ पर जो है मंदिर लगा हुआ है, आगे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर सभी कंपनी की और सभी साइज़ की एलईडी टीवी कस्टमर्स के रिपेयर होने के लिए आई हुई है, जो कि बहुत सी रिपेयर भी हो चुकी है और बहुत सी अभी रिपेयर नहीं हुई हैं, और कस्टमर भी लेने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर ये मेरी चेयर है, और इसी चेयर पर मैं बैठ जाता हूँ जब मैं अक्सर अपने काम से ब्रेक लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो काउंटर है, ये मेन काउंटर है। जब शटर ऊपर होता है तो कस्टमर्स जो हैं यहीं से एलईडी टीवी लेकर आते हैं। और यहाँ पर पैनल की ट्रे रखी हुई है, इनमें न्यू पैनल रखे हुए हैं और ब्रोकन पैनल भी रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सर्विस को लेकर सभी कंडीशंस लिखी हुई है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर 15 इंच की एलईडी टीवी जो कि मेरी अपनी है, अपने सेटअप पर लगी हुई है। यहाँ पर सीपीयू रखा हुआ है, और यहाँ पर 65 इंच की एलईडी टीवी रखी हुई है। और आपने यहाँ पर मेन चीज़ देखी होगी, मैंने यहाँ पर काउंटर पर फोम लगाई हुई है, और यहाँ पर सामने जो है पर्दा है, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एलईडी टीवी जो कि कस्टमर्स की है, और सामने जो है पर्दा लगा हुआ है। ये अपनी चेयर वापस, और इधर वापस अपना मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं पर्दे के पीछे, और पर्दे के पीछे की सच्चाई को जानते हैं, और देखते हैं पर्दे के पीछे क्या छुपा हुआ है। पर्दा खोलते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने बॉन्डिंग मशीन, और यहाँ पर ये जो आप टफन ग्लास देख पा रहे हैं, टफन ग्लास जो है स्लाइड होता है। अब अंदर चलते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मा टीवी रखा हुआ है, जो कि रिपेयर के लिए आया हुआ है, जो कि काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले यह है दरवाज़ा, और दरवाजे के ऊपर जो है बहुत सारे वायर्स यहाँ पर लटके हुए हैं, जो कि मेरे टेस्टिंग केबल है, सोल्डरिंग आयरन है, सभी तरह के इसमें केबल्स हैं, और इसी दरवाजे के माध्यम से एंट्री होती है। और यहाँ पर सामने इस काउंटर पर पैनल रखे हुए हैं जो कि रिपेयर के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर ये सामने 32 इंच की एलईडी टीवी लगी हुई है, और इसे मैंने माइक्रोस्कोप से जोड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है ये छोटा पैनल रखा हुआ है, डिजिटल मल्टीमीटर रखा हुआ है, इसके लिए पीसीबी, एसएमडी मशीन, और इसके अंदर जो है कुछ टूल्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर इस काउंटर में दो दराज है, इस दराज में जो है स्क्रू ड्राइवर से लेकर जो है कटर, ब्लेड, सब चीज़ें, सारे टूल्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर हो गया एलईडी टीवी। नीचे आपको दिखाता हूँ काउंटर के अंदर, यहाँ पर अंदर जो है इसके लिए पीसीबी रखी हुई है जो कि ओके है। इसके नीचे स्क्रैप इसके लिए पीसीबी है, और यहाँ पर बहुत सारे टेप रखी हुई है, और एलईडीएस केबल भी रखे हुए हैं। अब चलते दूसरी साइड, यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सामने बॉन्डिंग मशीन, बॉन्डिंग मशीन के ऊपर ट्राइपॉड रखा हुआ है। यहाँ पर बॉन्डिंग मशीन पर टफन ग्लास लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो 32 इंच का पैनल रखा हुआ है। और यहाँ पर ये दो एलईडी टीवी रखी हुई है, जो कि एक प्लाज्मा टीवी है, और एक यहाँ पर एलईडी टीवी है। और यहाँ पर इस 32 इंच के पैनल को मुझे इंस्टॉल करना है, जो कि न्यू पैनल है। यहाँ पर ये जो टफन ग्लास है स्लाइड होता है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी आप ग्लास को देखिए, ग्लास कहाँ तक जा चुका है, ग्लास कितना निकल चुका है, क्योंकि मुझे बड़ा पैनल रिपेयर करने में आसानी होती है, जगह बहुत छोटी है और मशीन बड़ी है। यहाँ पर आप देखिए पीछे की ओर से बॉन्डिंग मशीन कुछ इस तरह की दिखती है। अभी हम उस साइड चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बॉन्डिंग मशीन ऊपर से नीचे तक दिखाता हूँ। पीछे की ओर से आप देखिए, ऊपर से बॉन्डिंग मशीन कुछ इस तरह दिखती है, और नीचे की ओर से कुछ इस तरह की दिखती है। और इस बॉन्डिंग मशीन का जो वेट है वो है 500 kg प्लस। अब चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर है कंप्रेसर रखा हुआ है, और अभी सामने से मशीन को देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी सीट है जिस पर मैं बैठता हूँ, और यहाँ पर जो है इसका आगे से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। डबल स्क्रीन यहाँ पर लगी है, लेफ्ट और राइट, जो कि इसमें कैमराज लगे हुए हैं, जो कि माइक्रोस्कोप है बहुत ही बारीक। यहाँ पर ये केमिकल्स रखे हुए हैं, एलन की रखी हुई है, मेरा हॉकी का जो है लेंस रखा हुआ है। यहाँ पर ये हेड लगा हुआ है, यहाँ पर जो है टेफ्लॉन टेप, और जो है सिलिकॉन टेप रखी हुई है, बड्स रखे हुए हैं, कॉटन बड्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सामने से बॉन्डिंग मशीन दिखती है। यहाँ पर इसका हेड जो कि हाइड्रोलिक हेड है, जो कि अप डाउन होता है। यहाँ पर ये टच स्क्रीन है, और यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर है, और यहाँ पर ये प्रेशर मीटर लगे है, ये अप प्रेशर, टोटल प्रेशर, इसमें हम प्रेशर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट स्क्रीन है, इधर लेफ्ट स्क्रीन है, मैनुअल प्रेशर, और जो है डाउन प्रेशर, सभी यहाँ पर प्रेशर दिखाता है।
यहाँ पर ये सभी तरह के बटन्स है, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। सबसे पहले वैक्यूम, फिर ट्यूबलाइट, फिर लैंप, फिर ऑटो वन, फिर मैनुअल, ऑटो टू, MISC, एमरजेंसी, और यहाँ पर क्रिस्टल की लाइट, क्रिस्टल लाइट इसे ऑन ऑफ होती है। और यहाँ पर उधर कंप्रेसर जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ पर डस्टबिन भी रखा हुआ है, और ये मेरी सीट है जिस पर मैं बैठा हुआ था। कुछ इस तरीके से आगे से मशीन दिखाई देती है। यहाँ पर ये कस्टमर्स की LED भी है जो कि रिपेयर हुई रखी है, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखती है। यहाँ पर ये ग्लास स्लाइड होता है, और बोन्डिंग मशीन पीछे से किस तरह दिखाई देती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा पीछे जाकर मैं आपको बोन्डिंग मशीन को पूरा दिखाता हूँ जो कि कैमरे में आ जाए। आप देख पा रहे हैं पर्दे के पीछे बोन्डिंग मशीन रखी इस तरह से दिखाई देती है। और लेफ्ट साइड में दिखाता हूँ, ये मेरा पैनल काउंटर है, ऊपर स्क्रीन लगी है, ऊपर डिस्प्ले रखे हुए हैं यानी पैनल रखे हुए हैं, और इसमें जो दराज है उन दराजों में सभी टूल्स रखे हुए हैं और बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मेरा सेटअप अंदर से पर्दे के पीछे से दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं जगह बहुत ही कम पड़ रही है। और यहाँ पर ये मेरा 15 इंच LED TV, इधर से मेरा सेटअप कुछ इस तरह से दिखता है। और ये 65 इंच LED TV आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसको मैंने रिपेयर किया हुआ है जो कि पैनल ख़राब था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी चेयर, ये मेरा मंदिर, और सभी कस्टमर्स की LED TV। और जिस काउंटर पर 65 इंच LED TV लेटी हुई है उसी काउंटर के नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जैसे स्पीकर, बैकलाइट, न्यू बोर्ड, फ्रेश बोर्ड, स्क्रैप बोर्ड, बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो कि मेरी बहुत जगह वहाँ पर बची हुई है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये था मेरा सेटअप टूर 2022, और इस सेटअप को मैंने आज से 6 महीने पहले तैयार किया था जो कि मेरा अभी भी यही सेटअप है, यानी 6 महीने सेटअप को तैयार किए हो चुके हैं। और इस लैब को तैयार करने में मेरे कई लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, तब जाके मेरा यह सेटअप तैयार हुआ है। और यदि आपका मेरे इस लैब यानी मेरी वर्कशॉप से संबंधित कोई सवाल है, उसे आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप बोन्डिंग मशीन के टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं, जैसे कि बोन्डिंग मशीन कैसे काम करता है और बोन्डिंग मशीन से पैनल को कैसे रिपेयर किया जाता है, यदि आप इन टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको जल्द ही बोन्डिंग मशीन के टॉपिक पर भविष्य में वीडियो देखने को मिलेगी। तो यह था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यह सेटअप टूर 2022 का पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।